અમદાવાદ જતા હતા ત્યારે અમે અહીંયા એક બંસી કરીને એક રેસ્ટોરન્ટ છે એ જગ્યા ઉપર બેઠા તો અમને સોમનાથથી ચાલતા ચાલતા એક ભાઈ મળી ગયા છે ત્યાંથી 20 દિવસે અહીંયા આગળ પહોંચ્યા છે સિદ્ધપુરથી આગળ એક જગ્યા છે ત્યાં આગળ કોડુભાઈ ગુરુભાઈ સોમનાથથી કેદારનાથ ચાલતા જવા નીકળ્યા છે કેદારનાથના દ્વાર કપાટ ક્યારે ખુલશે તા 20 દિવસ અને અત્યાર પછી કેટલા મહિના લાગશે એ ખબર નથી પણ જશે ખરા એમનો આત્મવિશ્વાસ એવું કહે છે કે કેદારનાથ વહેલા ને વહેલા પહોંચી જાય આપણે પણ ભગવાનને પરિક્રમા મહોત્સવ આજે સંપન્ન કર્યો શરૂઆત અમે કરી હતી જય ભોલે ગ્રુપ અમદાવાદ દ્વારા શંખનાદથી શરૂઆત થઈ હતી અને ફરીથી જ્યારે આજે પૂર્ણાહુતિ હતી ત્યારે ફરીથી અમે શંખનાદથી પૂર્ણા તો હર હર મહાદેવ जय जय सियाराम और गुड मॉर्निंग। तो भाई कल रात में पहुंच गया था मेहसाणा जो कि कल मैंने 40 किलोमीटर काट लिया और रात को 8:30-9 बजे में यहां होटल पहुंच गया था जो कि रात को मैंने बताया कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि ये होटल का अरेंजमेंट धवल भाई ने किया था बेचरा जी से और आज की यात्रा है ऊंझा तक जो कि यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है तो शाम तक होते होते वो मैं काट लूंगा और अभी तो टाइम अभी टाइम हुए 11:15 और अभी बैग पैक करना बाकी है। बैग पैक करके यहीं से सीधा बाईपास से निकल जाऊंगा जो कि वहां तक 4 ट्रैक ही है तो चलने में भी आसानी रहेगी। और रात को जो दोनों लड़के मेरा बैग लेके आए थे वो अक्षय ने मेरे को बताया कि वो लोग वहीं पे अप डाउन करते हैं तो बाद में मेरे को पता चला जब वो लोग यहाँ पे आए तो बोला कि अब हम जा रहे हैं वापिस बेचरा जी। मैंने बोला भाई बेचरा जी क्यों तुम यहाँ मेहसाणा नहीं रहते? बोले नहीं हम वहीं पे रहते हैं। तो अक्षय ने मतलब कि बैग पहुंचाने के लिए झूठ बोल दिया था मेरे को कि वो वहीं पे है लेकिन वो दोनों लड़के स्पेशली मेरे को बैग देने के लिए आए थे और फिर साथ में खाना खाया और वो दोनों निकल गए और उसके बाद कुछ मेरे रिलेटिव थे जो मिलने आए। अच्छा लगा कोई मतलब मैं तो वहां जा नहीं सकता क्योंकि 7 किलोमीटर अंदर है अगर जाता तो वो 7 और फिर वापिस 7 आना तो 14 किलोमीटर पड़ जाता। तो अभी बस आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। जयकारा तो हम आगे कहीं जाके ही लगाएंगे हाईवे पे और दोनों बैग रेडी हो गए बस ये साइन बोर्ड लगाना बाकी है और तिरंगा और भगवा और ये एक बैग जो कि अक्षय का था लेकिन वो दोनों लड़के छोड़ के गए बोले कि आपका आधा सामान इसमें आ जाएगा आगे की साइड तो क्या पीछे की साइड इतना लोड नहीं रहेगा तो ये भी एक अच्छी बात हुई ये भी एक फायदा ही साबित हुआ। और अभी चाय आ गई चाय पी के यहाँ से भी निकलते हैं। चलो सब अपना ले लिया पैक पैक करते हैं बंद भगवा कुछ छूट तो नहीं गया अपना बैग आगे पहुंच गया और होटल से अभी अलविदा कहेगा आगे की यात्रा स्टार्ट करता हूँ। कुछ ऐसा होटल है आगे की यात्रा जो है यहाँ से शुरू होती है कम से कम शाम तक मैं बस पहुँच जाऊँ क्योंकि आराम से ही यात्रा में चलूँगा इतना तेज नहीं जाऊँगा क्योंकि 26 किलोमीटर है तो 26 किलोमीटर शाम तक मैं काट लूँगा। मैंने आजे माना ने आजे 20 दिवस थे 20 दिवस टोटल 20 दिवस नू आ मैं अत्यारे काइपू है केटलू था ये तो मने ख्याल नथी पर
ये होटल के जो ओनर अनिरुद्ध सिंह झाला, जो कि आगे का मैं ऊंझा में रुकने वाला हूँ, वहाँ का सेटिंग इन्होंने खुद कर दिया, जो उनके फ्रेंड है पीआई, तो बोले कि आप वहाँ पहुँचो तब तक आपका वहाँ का भी हो जाएगा। तो अभी बस यहाँ से मैं अभी निकलता हूँ और इनसे लेता हूँ अलविदा और आगे की यात्रा स्टार्ट करता हूँ। चलो चलो अनिरुद्ध सिंह भाई, थैंक यू आगे मी सेवा बदल। चलो चलो, मैं अभी मेहसाणा से 4 किलोमीटर आगे आगे नाश्ता करने के लिए बैठा था और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ पे जो भाई लोग थे सबको मिला। अभी ऊंझा है 20 किलोमीटर बाकी। चलो भाई, महादेव महादेव महादेव। और ये वो भैया है जिन्होंने पता चला तो बाद में पैसे नहीं लिए, और ये उत्तर गुजरात में भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। ये सनी कैफे, इधर अभी मैंने नाश्ता किया और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे की यात्रा के लिए, जो कि अभी ऊंझा 20 किलोमीटर बाग बाकी है। और आज का जय गारा इन्हीं के साथ लगा लेते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर जय जय श्री राम। तो अभी ऊंझा है 19 किलोमीटर सिद्धपुर पाटन, सिद्धपुर पाटन 33 किलोमीटर पालनपुर 61 आबू रोड 114। तो भाई अभी 19 किलोमीटर और बाकी है, क्योंकि मैं आज आराम से ही जा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, वहाँ जाके आराम ही करना है, चाहे लेट पहुँचूँ या जल्दी पहुँचूँ। तो आगे की यात्रा मैंने शुरू कर दी है, यहाँ चाय पीने बैठा था। सुनाम पीजे सोलंकी, पीजे सोलंकी से बीजू होटल पर गए थे, सब पानी का नहीं छे, पानी तो छे पर अबे बेम के अनादर करू सारू ना लगे। ओ 27 तारीख है नी केड़ो, आज 20 दिवस पूरा थिया छे। सोमनाथ, सोमनाथ थी 22 किलोमीटर मारु गाम वडोदरा जाला, त्यांथी निकळ्यो सोमनाथ, सोमनाथ थी केदारनाथ। हर हर महादेव। और भाई उत्तर गुजरात सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और ये रोड 6 लाइन रोड है, जो कि चलने में भी मज़ा आ रहा है। शायद ये पालनपुर तक ऐसे ही रोड मिले तो मज़ा आ जाएगा। आप रोड देखिए, एक दो तीन, और ये पैदल यात्री के लिए, तो रोड भी बढ़िया है। और चलने का मज़ा भी आ रहा है। वो लोग जीप ही वाले थे, बोले कहीं भी आ गए आपको बिजली की ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। पानी पिलाया, पानी था मेरे पास, लेकिन कोई पानी देता है तो पी लेता हूँ। और ये देखिए क्या लिखा है, पदयात्री माटे। तो रोड बढ़िया है, एक नंबर।
આજની નાઈટ ઊંઝા જ છું. ના નહીં, બસ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આ લાઈન ઉપર. હા 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 ભાઈ, ઊંઝા 13 કિલોમીટર દૂર હે, કે થોડા વિડિયો કા એડિટિંગ બાકી થા તો મેં રાસ્તે મેં કરને કે લિયે બેઠ ગયા થા, પર અભી જસ્ટ વાપસ નિકલા હું. શું નામ છે મિત્ર તમારું? મારું ખોડાભાઈ વીરજીભાઈ કામળિયા. કયા ગામથી તમે આવે? હું ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું વડોદરા ઝાલા ગામ, ગીર સોમનાથથી 22 કિલોમીટર. બરાબર. તમે ક્યાંથી યાત્રા શરૂ કરી? મેં મારા ગામ વડોદરા ઝાલાથી સોમનાથ, સોમનાથથી કેદારનાથ. મારે ટોટલ તો થઈ ગયા છે 2300 કિલોમીટર જેવું, કેમ કે મેં સાઇન બોર્ડમાં 1900 લખ્યું છે, જે ગૂગલ મેપ પ્રમાણે શોર્ટકટ લાઈન બતાવે, પણ ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા મારે આટલું થઈ ગયા છે. મહાદેવ મહાદેવ હર, જય કેદારનાથ, જય જય કેદારનાથ. ત્યારે અમે અહીંયા એક બંસી કરીને એક રેસ્ટોરન્ટ છે એ જગ્યા ઉપર બેઠા, તો અમને સોમનાથથી ચાલતા ચાલતા એક ભાઈ મળી ગયા છે. ત્યાંથી 20 દિવસે અહીંયા આગળ પહોંચ્યા છે. સિદ્ધપુરથી આગળ એક જગ્યા છે ત્યાં આગળ કોડુભાઈ. કોડુભાઈ સોમનાથથી કેદારનાથ ચાલતા જવા નીકળ્યા છે. કેદારનાથના દ્વાર કપાટ ક્યારે ખુલશે, ક્યારે જશે, પણ તે છતાં અત્યારે કોડુભાઈ, કોડુભાઈ તમે કેમ નીકળ્યા પહેલાં? એ કોઈ હશે મારા પિતૃને એવું કંઈ સપનું કે કાંઈ પણ કે નહીં ગયા હોય, મારા થ્રુ કરાવતા હોય એવું માનીને ચાલો. અને ઉદ્દેશ્ય આ એ આપ્યો કે વિશ્વ શાંતિ અને વિશ્વ કલ્યાણ, બાકી કોઈ જાતની બાધા કે બાંધતા. વિશ્વ શાંતિ અને વિશ્વ કલ્યાણ માટે કોડુભાઈ નીકળ્યા છે અત્યારે સોમનાથથી આવતા 20 દિવસ, અને અત્યાર પછી કેટલા મહિના લાગશે એ ખબર નથી, પણ જશે ખરા. એમનો આત્મવિશ્વાસ એવું કહે છે કે કેદારનાથ વહેલા ને વહેલા પહોંચી જાય. આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ખાલી શરીર જાય છે, મન અને આત્મા ક્યારનું ત્યાં પહોંચી જાય એવી ભોલેની ઈચ્છા. અમારા તો ગ્રુપનું નામ જ જય ભોલે ગ્રુપ છે. જય ભોલે, ઓમ નમઃ શિવાય. જહાં પે મેં ખાને ખાને આયા થા તો યહાં પે યે અહેમદાબાદ કા જય ભોલે ગ્રુપ જો હે વો મુજે મિલા ઓર અચ્છા લગા ઓર કાફી હિંમત દી કે યે કિસી કો પતા ક્યું નહીં હે, ગવર્નમેન્ટ કો ભી પતા નહીં હે, તુમને કિસી કો જાન ક્યું નહીં કી, તો અભી આગે કી પ્રોસેસ હે જો યે લોગ સપોર્ટ કરેંગે તો ક્યા હે કી સપોર્ટ તો મિલતા હે લેકિન જો અભી યે હોસલા મિલા, યે હોસલા વહાં તક મેરે કો મિલ જાય બસ, તો મેં વૈસે હી પહોંચ તો ગયા હું વહીં પે, યે મેરી આત્મા ઓર મેરી રૂહ તો વહીં પે હે, યે શરીર જો હે વહી જા રહા હે. યાત્રા છે આ ગુજરાતથી કેદારનાથ સુધી, આપણા ગુજરાતમાંથી બેડા એવું ને. અત્યારે અમે નીકળ્યા છીએ પરિક્રમા મહોત્સવ. આજે સંપન્ન કર્યો, શરૂઆત અમે કરી હતી જય ભોલે ગ્રુપ અમદાવાદ દ્વારા શંખનાદથી શરૂઆત થઈ હતી, અને ફરીથી જ્યારે આજે પૂર્ણાહુતિ હતી ત્યારે ફરીથી અમે શંખનાદથી પૂર્ણાહુતિ કરી, અને હવે અમે ચાલ્યા અમદાવાદ. પહોંચના હતા, ઓર ખાના તો મેં ઉધર ખા કે આયા, ક્યુકે પહેલે હોટલ આ ગઈ થી ખાને કી, જો યહાં કે કોઈ યે ક્યા નામ હે ઉસકા, દરજી સાહેબ, પી આઈ,
उन्होंने ये सेटिंग किया है और उसको बोला था जहां मैं रुका था मैसा नाम है ये अनिरुद्ध सिंह जाला, तो उसने ये इनके फ्रेंड है बोल दिया कि भाई एक बंदा आ रहा है तो सोने का और खाने का इंतजाम कर दो वहां पे। तो यहाँ पे हो गया था, पहले होटल आ गई खाने की जहाँ मैं अभी खाना खा के आ गया और अभी जहाँ पे मेरे को रुकना था मैं वहीं पे पहुँच गया। वहीं पे मैं पहुँच गया और अभी जो मैं होटल पे अभी आ गया, आपने देखा अहमदाबाद का ये जो ग्रुप है जय भोले ग्रुप, उनके मेंबर तीन मेरे को मिल गए। तो पूछा मेरे को कि भाई किसी को पता है क्या, मैंने बोला हाँ मेरे गांव वाले को पता है, मेरी फैमिली को पता है और मेरे समाज को पता है। तो बोला नहीं, गवर्नमेंट को पता है क्या, मैंने बोला नहीं गवर्नमेंट को नहीं पता है। तो बोला क्यों आपने नहीं, मेरे को मतलब डाटा मेरे को कि ये आप जो कर रहे हो ये गवर्नमेंट को बताए क्यों नहीं, गवर्नमेंट को आप बोलो तो क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करें। लेकिन अच्छा लगा उन लोगों से मिल के, बहुत मेरे को वो हाँ। तो वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को ये बात पता होनी चाहिए, अभी आप एक काम करो, बोले कि कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और आगे कहीं पे भी अगर ज़रूरत हो कहीं पे भी आप अटको तो हमें तुरंत फ़ोन करो। और आगे तो अभी वो लोग भी साथ में ही है, मतलब कि कॉन्टेक्ट में है, जैसे कि सब आगे से लेके अब तक मेरे कॉन्टेक्ट में सब है। जैसे कि और एक बात कि ये जो मैं उन लोगों से मिला तो वो खुद हैरान हो गए कि ये कैसे, ये नामुमकिन है, मतलब कि मुमकिन तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा वो लोग भी भावुक हो गए। और फिर खाने के पैसे तो वहाँ पे देने नहीं थे लेकिन फिर भी उन लोगों ने दे दिए, या तो फिर होटल वाले ने लिए नहीं या फिर वो पुलिस वाले साहब ने बता दिए होंगे कि भाई जो आ रहा है उससे पैसे मत लेना। लेकिन जो भी है, जो भी हो रहा है अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। और ये अभी मैं हूँ उत्तर गुजरात, तो यहाँ का सपोर्ट भी फुल मेरे को मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहे। और कल की यात्रा मेरी है ये सिद्धपुर पाटन, क्योंकि जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन पूरा दिन निकल जाएगा यहाँ से, मैं लेट निकलूँगा कल और सिद्धपुर जाके फिर सब मंदिर में जाऊँगा। तो क्या है कि कल की नाइट में सिद्धपुर ही कर लूँ, ऐसा अभी तो है कि सिद्धपुर नाइट मेरी होगी। तो चलो आप लोगों का साथ और सब पे महादेव का हाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।